एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह व आरटीओ अनीता सिंह के नेतृत्व में स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के सभागार में नर्सिंग की छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूक किया गया। यातायात का पालन करने व नशा मुक्ति में सहयोग करने के लिए शपथ दिलाई गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस सेमिनार में नर्सिंग छात्राओं को ट्रैफिक के रूल, रोड सेफ्टी और समाज में फैल रहे नशा के बारे में जागरूक अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि जहां भी रहे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें। कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि यातायात नियमों का पालन करें और हम ट्रैफिक पुलिस का मकसद चालान करना नहीं होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, जिसका हम लोग बखूबी से निर्वहन करते हैं। उन्होंने बताया कि देश में मादक पदार्थों का सेवन ज़्यादातर नई उम्र के लोगों द्वारा किया जा रहा है। ज़्यादातर शाम को लोग नशा के दौरान वाहन चलाते हैं, जिससे उनकी मानसिक क्षमता प्रभावित होती है और वाहन को सही ढंग से नहीं चला पाते हैं, जिससे दुर्घटना होती है। उन्होंने कहा कि शहर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। इस अवसर पर आरटीओ अनीता सिंह, यातायात निरीक्षक मनोज राय, स्कूल ऑफ नर्सिंग के एमडी आशुतोष मिश्रा तथा प्रिंसिपल लोरेटा याकूब, डॉक्टर प्रियंका सहित नर्सिंग की छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, बहुत ध्यान से सुनेंगे और अनुसरण करेंगे सर की बातों का। यह आप सभी के लिए वह सब एक का अवसर है। ये जितने भी गर्ल्स हैं, सभी लोग, लड़के हो या महिला हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, हेलमेट सबको पहनना जरूरी है। तब दस लाख कितना पैसा खर्च हो जाएगा, फिर उस परिवार पर क्या गुजरेगी, 10 लाख रुपया कैसे इंतजाम किया है, तो हम लोग का यही आपने घर में परिवार में सबको बताइए कि आप जब है जानकारी है आरटीओ भी क्यों यहाँ पे है, ट्रैफिक यहाँ पे क्यों है। इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है सड़क सुरक्षा अभियान में। मैं बता दूँ, देखिए आरटीओ मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। रीजनल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, गाड़ियां चल रही हैं, आपका लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, गाड़ियों का ट्रांसफर है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। साथ में हम लोग रोड पर जो अभियान चलता है गाड़ियों को बंद करना, आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं तो भी हम उसका चालान करते हैं। इसलिए हमारा और एसपी ट्रैफिक सर का तो बहुत मेजर रोल है ट्रैफिक पूरी व्यवस्था का संभालना। तो हम वो अपने विभाग के बारे में बताएंगे आपको और मैं अपने, तो हम लोगों का जो मेजर रोल है वो यही है कि हम आपको ये बताएं कि कैसे सड़क पर आप लोग सुरक्षित होकर चलना चाहेंगे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये एक मूल मंत्र है सड़क पे चलने का। और सड़क की सुरक्षा कैसे होगी, जब आप अपने नियमों के प्रति जागरूक होंगे। अभी जो हमारे मनोज राय हैं इंस्पेक्टर ट्रैफिक, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेजेबल हैं, बहुत जानकार हैं वो, क्योंकि हर चौराहे पे ही आप लोगों को रोज फेस करते हैं, हर चीज़ फेस करते हैं। तो आपको बहुत, इन्होंने बहुत बारीकी जानकारी दी कि किस तरह से आपको चालान से बचना चाहिए, सुरक्षित कैसे चलना चाहिए। आप टू व्हीलर पे आप हेलमेट चला के चलिए, फोर व्हीलर पे सीट बेल्ट चला के चलिए। ये तो शायद नियम ऐसे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में भी होंगे, आपको चलते फिरते बैनर्स में भी दिखाई देते हैं और आते जाते बातों में भी कभी कभी ये चीजें आप आने लगे हैं कि देखिए सड़क सुरक्षा के अभी अभी अभियान चल रहा है या कुछ है। ये भी देख लें, वो भी देख लें, माइक है तो हम तेजी से स्पीड में चला लें। लेकिन उनकी डेथ रेट भी यही है 42। माइक में कुछ बोलिए, किसी एम एस
एप्लीकेशन के बारे में बताऊं, कल मेरे पास एक विचित्र प्रकार की एप्लीकेशन आई ये कंप्लेनेंट की, जो कि एक प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं, एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखित में मुझे एक एप्लीकेशन भेजी और उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा था कि ये बात सही है कि जब मेरा चालान हुआ तो मैंने हेलमेट नहीं लगाया था और हेलमेट मैंने पीछे मोटरसाइकिल की डिग्री में टांग रखा था। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, पर वो कह रहा मैं इस बात से हैरान हूँ कि 6:29 पे मैं उन्होंने सब लिखा कि मैं यूनिवर्सिटी टहलने गया, स्कूल पर गया, पर जो चालान का स्थान दिखाया गया है उस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा चालान गलत किया गया है, निरस्त किया गया। तो उनका चालान वो गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ टहलने के लिए, प्रोफेशन आए और चालान उनका हुआ कंट्रोल रूम में, कैमरे में देखा कि हेलमेट लगता हुआ सब मैंने लगाया, पर उनकी पूरी एप्लीकेशन में पीड़ा ये थी ऐसे भी रह रहे थे मैंने हेलमेट नहीं लगाया था। इसके लिए हर दुर्घटना के लिए हम लापरवाही के लिए किसी एक डिपार्टमेंट में उसको नहीं रोक सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है, परिवहन विभाग की लापरवाही है, सड़क विभाग की लापरवाही है। ये एक ऐसा क्षेत्र है, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम घर से अपने हमारे पेरेंट्स को ही सिखाते हैं, हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटे टाइम से घर लौटना है, समय से निकलो, समय से ट्रेन पकड़ो, सड़क को सड़क पर देख के आपको रोड क्रॉस करना है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि दाएं देखिए, दाएं देखिए, एक बार फिर दाएं देखिए, उसके बाद रोड क्रॉस करिए। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं और अपने अधिकारों को भी नहीं समझते हैं। अधिकार कर्तव्य दोनों से हम लोग विमुख और वंचित होते जा रहे हैं और हम केवल दोषा रोपण पर ध्यान देते हैं कि फलाने बहन की लापरवाही है, फलाने की लापरवाही है। पूरा इस चर्चा का केंद्र बिंदु एवेलेंस का केंद्र बिंदु हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट रहता है। हेलमेट किस काम के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, पर आप लोग क्यों लगाते हैं उसके लिए? हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दुपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे, ना कोई मैसेज भेजेंगे और ना देखेंगे, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज गंगोत्री देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग और गंगोत्री देवी महाविद्यालय इस कार्यक्रम में नर्सिंग की छात्राओं के लिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में और जो समाज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो ड्रग्स बच्चों में फैल रहा है उससे होने वाले नुकसानों के बारे में बच्चों के लिए, बच्चों में जागरूकता अभियान चलाया गया, बच्चों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और ट्रैफिक रूल्स का पालन करवाने में उनकी क्या समाज में भूमिका हो सकती है इस बारे में बच्चों को बताया गया और सभी बच्चों से अनुरोध किया गया कि अपने परिवार में या अपने कार्यस्थल में जहां पर भी रहें
ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने के लिए स्वयं भी पालन करें और सभी के लिए सचेत भी करें और सभी को सजेस्ट करें। सभी के सहयोग से ही एक बढ़िया यातायात व्यवस्था दी जा सकती है और हम बेहतर और सुरक्षित गोरखपुर की कल्पना कर सकते हैं। इसमें सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है। आज गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज गंगोत्री देवी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हम लोग ने एक संयुक्त अभियान चलाया था जिसमें उनको सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया, साथ ही नशा मुक्ति और उनको परिवहन से रिलेटेड और एसपी ट्रैफिक विभाग से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई। बच्चों को क्वेश्चनायर का एक वक्त दिया गया, प्रश्न पूछने का भी मौका दिया गया। अगर उनको कोई भी इंक्वायरी हो हमारे जो हमने उनको बताया है या उनको विभाग से रिलेटेड कोई जानकारी हो उसके लिए भी उनको हमने जागरूक करने के लिए और उनको मौका दिया कि वो हमसे इंटरेक्ट कर सकें। एक बहुत अच्छा सेशन था और इसके लिए उनके प्रधानाचार्य को, व्यवस्थापक को मैं धन्यवाद देती हूँ कि नर्सिंग कॉलेज जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे जो महिला महाविद्यालय है उसमें हमें आने का मौका मिला और उनको हमें जागरूक करने का भी मौका मिला, जिसकी वजह से ये प्रोफेशनल कोर्स करने वाली जो महिलाएं हैं वो जब भी भविष्य में आगे बढ़ेंगी तो सड़क सुरक्षा के नियमों को अपने परिवार और अपने परिजनों को बता देंगी और इसको आगे बढ़ाएंगी और जन सहयोग का सहयोग देंगी। इसी अपेक्षा के साथ आज हम ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। किसके लिए? अच्छा, आरटीओ विभाग के बारे में उनको लाइसेंस से संबंधित और रजिस्ट्रेशन विभाग से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई और परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा के अभियान में क्या रोल है ये भी उनको बताया गया। साथ ही उनको ये भी बताया गया कि कभी भी किसी भी आवश्यकता पड़ने पर एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा, उस नंबर पे 1800 1851 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कभी भी विभाग से रिलेटेड, चाहे पूरे यूपी में किसी भी विभाग किसी भी जिले से रिलेटेड कोई भी काम हो उस पर वो फ़ोन करके हेल्प मांग सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं। ऐसी उनको आरटीओ विभाग से रिलेटेड जानकारी दी गई है।